छिंदवाड़ा में प्रशासनिक अधिकारी की अभद्रता से तंग आकर डॉक्टर चिरंजीवी पवार ने इस्तीफा देने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि अधिकारियों की प्रताड़ना के चलते वे डिप्रेशन में आ गए हैं। इस दौरान डॉक्टर का दर्द सामने आया। छिंदवाड़ा के तामिया में तहसीलदार की प्रताड़ना से तंग आकर तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर चिरंजीवी पवार ने इस्तीफा देने की बात कही। डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार द्वारा बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और काम के प्रति अधिक दबाव बनाया जाता है, जबकि हम डॉक्टर इस कोरोना काल में बड़ी निष्ठा एवं ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तहसीलदार द्वारा लगातार सैंपल को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से यहां लोग ज्यादा जागृत नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी को मेरे द्वारा कई बार बताया गया है कि यहां कोई स्टाफ नहीं है। मेरे द्वारा स्वयं ही लोगों का सैंपल लेने से लेकर सैंपल पहुँचाने तक का कार्य किया जा रहा है, फिर भी अधिकारियों का व्यवहार इस तरह उचित नहीं है। मैं डिप्रेशन में चला गया हूं। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। इस दौरान डॉक्टर की आंखों से आंसू भी निकल आए। कोई उन सबके सामने किए, कोई अभद्रता नहीं की मैंने। इसके पश्चात माननीय विधायक जी ने वो ऑक्सीजन वगैरह का जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ हॉस्पिटल में दिए, तब सब लोग हम 4:30 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद SDM विधायक जी वो सब कार्यक्रम के बाद चले गए। SDM साहब, हम और अन्य अधिकारी कम से कम 20-25 मिनट वहाँ थे। TI हम लोग सब थे। यदि मैंने ऐसा कुछ गड़बड़ किया था तो उस आवेदक को, उस डॉक्टर को चाहिए था कि वो आके SDM साहब के सामने बात करता। मेरे साथ आज तहसीलदार महोदय जी के द्वारा अभद्र लैंग्वेज का यूज किया गया एवं काम के प्रति प्रेशराइज किया गया, एवं मैं हमेशा अपने काम के प्रति एकनिष्ठ एक भाव से काम करता हूँ, एवं इतना भी प्रेशर ना दिया जाए कि कोई व्यक्ति काम नहीं करता। मैं काम के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम मिले तो मैं काम करूँ। लेकिन इतनी अभद्र लैंग्वेज और सब चीज मेरे प्रति यूज की जाती है कि मैं काम करने के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं हूँ। मैं आज रिजाइन देके जाना चाह रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।